वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हम लोग कल रात से शादी से आने के बाद आज पूरे दिन ऑफिस कर रहे थे, पूरा दिन घिसे हैं और अब हम लोग का है फ्री टाइम, तो हम लोग निकले हैं आज एक नई सिटी के भ्रमण पे। तो भोपाल चलिए। भोपाल अपना जन्नत की तरह है, घर अपना झीलों का शहर। भोपाल अपना जन्नत की तरह है, घर अपना जहाँ स्वच्छता आदत है, जहाँ स्वच्छता इबादत है हमारी जिम्मेदारी। तो हम लोग अभी आ चुके हैं बड़े तालाब पे भोपाल के, जो कि यहाँ की सबसे फेमस अट्रैक्शन है। हम लोगों ने ऑटो किया था, जैसा कि अपने रास्ते में देखा होगा अपने होटल से यहाँ तक, और पहले भी उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए कुछ ऐसा है, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, दिन में भी बारिश हुई है। अभी बोटिंग कर रहे हैं सब लोग, तो देखिए कैसे अलग अलग टाइप की बोट है। और यहाँ लोग जेट्स की भी कर रहे हैं, जो बहुत ही यूनिक बात लगी। नदी में, तालाब में कभी भी मैंने जेट्स की करते लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। लग रहा है एक बहुत ही बढ़िया आकृति हम लोगों को देखने को मिली है यहाँ पे, जिसको एक गिटार को इन्होंने बेस से शायद बनाया। तो ये देखिए, ये जो बेसिकली लैपटॉप और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स में बचे हुए पार्ट्स होते हैं, उन सबको ऐसे जोड़ जोड़ के और इसको बनाया गया। और साथ ही साथ एक हम लोग को यहाँ पे रेल का डब्बा भी लगा रखा है, तो डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है भोपाली ने। ये देखिए, अब वहाँ पर भैया एक चिल्ला भी रहे हैं, पता नहीं किसको बुला रहे हैं, नहीं पता। इसकी जो मैं आपको बता रहा था, वो देखिए जेट्स की चल रही है वहाँ पे दूर। तो जो नज़ारा पीछे देख रहे हैं, इसको भोपाल की अपर लेक कहते हैं या बड़ा तालाब भी कहते हैं। इसको भोजताल भी कहते हैं पुराने ताल में, क्योंकि ये राजा भोज की राजधानी के फॉर्म में बनाया था भोपाल को। और ये मेन अट्रैक्शन है सिटी का, मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द सिटी यहीं से आता है आपका। और ये देखिए कितने प्यारे हंस वगैरह यहाँ पर तैर रहे हैं। और राजा भोज इज़ क्वाइट फेमस इन भोपाल, वो एक परमार डायनेस्टी के रूलर थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराई हैं यहाँ पे, उनके स्टैचू जगह जगह पे। ए बाबू प्यास लगा है, तो देखिए कुत्ते बच्चे पानी पी रहे हैं यहाँ पे, इनकी भी प्यास बुझाता है ये तालाब बढ़िया। और छोटे छोटे यहाँ पे सीमेंट के ऐसे पानी के कलेक्शन के बना दिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जिससे बारिश में कलेक्ट हो पाए और हमारे जो कैनाइन फ्रेंड्स हैं वो पानी वगैरह पी के अपनी प्यास बुझा पाए। तो MP आने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पता चली कि भोपाल बेटर है या इंदौर। अलग अलग लोग, मेरे दोनों जगह के दोस्त हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कोई कहता है भोपाल बेटर है, कोई कहता है इंदौर बेटर है। अभी तक जहाँ तक हम लोग भोपाल आए हैं तो काफ़ी ग्रीनरी लगी है, अच्छा शहर लगा है। बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन शहर में नहीं है, बट अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। बट अगर आपको पता है और आप इंदौर से हैं या भोपाल से हैं, तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको भोपाल बेटर लगता है या इंदौर और क्यों। और हम लोग इंदौर भी जाएंगे और वहाँ खुद से एनालिसिस करेंगे और आप तक ये अनबायस्ड एनालिसिस UP कपल के द्वारा पहुँचाएंगे। रोड पे चलते चलते बहुत भूख लग गई थी, सोच रहे थे क्या खाएं क्या ना खाएं। तो एक बहुत ही प्यारा सा हिल टॉप पे छोटा सा एक हम लोग को रेस्टोरेंट दिख रहा है, नाम है वेजी वे। देखिए कुछ ऐसा दिखता है रेस्टोरेंट, तो मन कर रहा है एक डिश जाके बैठे थोड़ी देर खाएं। चलते हैं साथ साथ, चलो रोड क्रॉस करते हैं। और बड़ा ही क्यूट सा है, छोटा सा बट इतने अच्छे से डेकोरेट किया है कि मन कर गया जाने का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए अंदर काफ़ी चढ़ के जाना है, प्यारा सा जगह लग रही है। पता नहीं अंदर कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऊंचा दुकान हो, फीका पकवान हो। तो रुको जरा, सबर करो, बट होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर एक प्यारा सा गेट भी बना रखा है, ये फेरी लाइट्स लगाई है यहाँ पे एंट्रेंस में। आदित्य रेस्टोरेंट का नाम है वेजी वे रेस्टोरेंट, और ऐसा कुछ दिखता है इनका सीटिंग एरिया, पत्थरों से बना हुआ है पूरा, पता नहीं खुला भी है कि नहीं, अंदर कोई दिख तो नहीं रहा है, शायद बंद हो या हो सकता है खुला हुआ हो और हमारे लिए अच्छी बात हो कि कोई नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तृप्ति अपना पीछे रील बनाने को लग गई है, ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन है ये, और यहाँ कुंड टाइप का भी है एक। हेलो भैया, पूछते हैं अब खुला है या बंद है ये रेस्टोरेंट। अच्छी न्यूज़ ये है कि रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तृप्ति ने अपनी रील बना ली है और आ रही है वापस। बन गई रील, मजा आया बनाने में, इतना अच्छा फोटोज आ रहे हैं ना। तो बहुत ही बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है, एक रेस्टोरेंट के अंदर। हाँ। जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, और एकदम पब्लिक प्लेस पे ये रेस्टोरेंट है। आई वंडर क्यों भी एक भी इंसान यहाँ पे नहीं है। सही पकड़े हैं मोस्ट प्रोबेबली कुछ तो हो रहा है अंदर,
जो कि नहीं पता हम लोगों को क्या है ऐसा जो ये छुपाना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट तो खोल दिया। किया ही क्यों है जब कोई एक इंसान बैठा नहीं है तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर और पहले ही कोई घुस रहा है तो तुम बोलते रहो परमिशन नहीं है शूट। सो मच फॉर कस्टमर सर्विस। जब आप एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहते हैं तो आपका काम होता है कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट यू नो पॉसिबिलिटी दे पाना। आई अंडरस्टैंड ऐसी जगह है जहाँ पे यू नो कोई आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, वहाँ पर आप बोल दो कि नहीं आप शूटिंग नहीं कर सकते तो प्रॉपर है, हम खुद भी नहीं करते हैं, कोई करता ही नहीं। बट आप एक रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हो और बोल लो आप फोटोज़ नहीं खींच सकते हो, तो मैंने बोला कि मैं फ़ोटोज़ नहीं खींच सकता हूँ तो मैं यहाँ पे खाऊंगा भी नहीं बैठ के, क्योंकि मैं ऐसी जगह कस्टमर सर्विस लेना ही चाहता या एक भी रुपये देना नहीं चाहता जहाँ पे आप खुद ही कस्टमर को नहीं बुलाना चाहते हो। राइट, एक भी कस्टमर नहीं था, बना तो उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। चलते आगे कहीं और खाएंगे, एक जगह थोड़ी है। चलते चलते अभी हम लोग थक गए थे तो अब ऑटो लेके भैया के साथ और फिर से वहीं जा रहे हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं पे कुछ खाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि पिछले वाला खाने का तो पोपट हो गया अपना। तो अभी हमारे सामने सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम लोगों ने फ़ोटो खींचने की कोशिश की बट कैमरे में वो कभी उतर नहीं पा रहा जो हमारी आँखों में उतर रहा है। कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। एक जगह मिल गई थी जहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी थी और जनरली जहाँ पे भीड़ लगती है वहाँ पे खाना अच्छा होता है, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया क्या, एक प्लेट वेज और एक मोहितो। मोमोज आ गए। दोस्तों मोमोज काफ़ी घटिया दर्जे के हैं, एकदम ड्राई एंड ड्राई, पता नहीं निकले कैसे इसको, इससे यार तो मेरी स्किन सॉफ्ट है। क्या बोला तूने? तो काफ़ी घटिया दर्जे के मोमोज हैं। जब तक हमारा मोहितो आया हमारा मोमो खत्म हो चुका था और काफ़ी वाहियात दर्जे का मोमो था, शायद इससे बुरा मोमो मैंने कभी खाया हो। मोहितो के नाम पे कोई पेपरमिंट वाली कोल्ड ड्रिंक दे दी है, मतलब ऐसा नहीं है मोहितो तो हमें क्या लगा कि नींबू पानी का वर्जन होता था, नहीं मोहितो ये पता नहीं कोल्ड ड्रिंक को 5 डाला और उसको बनाने में 15 मिनट ले लिया, तो पता नहीं अभी तक तो अच्छा खाना नहीं खाया। हम लोगों ने बोटिंग की टिकट ले ली है, अभी यहाँ पे शाम डल गई है। देखिए कुछ ऐसे रेट्स हैं, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने यहाँ पर वो कर रखा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो लग रहा है मज़ा आने वाला है बहुत। अब ढूंढते हैं अपना मोटर बोट का कहाँ पे ठिकाना है। तो यहाँ पर कई तरह के बोट्स हैं, हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम लोग क्रूज नहीं कर रहे हैं, बट क्रूज का पर पर्सन लगभग 300 रुपये है। ये देखिए सामने क्रूज खड़ा है और क्रूज हमने दुबई में और पहले भी बहुत बार किया है तो मस्त माहौल बन रखा है क्रूज पे, तो ऐसा लग रहा है डांस वांस खाना वाना खरीद खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, एक घंटा लगभग लगता है यहाँ पे, तो आप क्रूज भी कर सकते हैं। तो और कोई नहीं आया है तो ये राइड हमारी पर्सनल राइड हो गई है, भैया लेके जा रहे हैं। हाँ ये देखिए क्रूज है, बारिश स्टार्ट हो गई है और स्पीड भी बहुत ही तेज है बोट की, लगभग 60-70 तो हो गई मेरे ख्याल से। इसका मजा ही कुछ और है इस वाली बोट का, और ये आसमान की ऊंचाइयों में और पानी की गहराइयों में 72 रुपए एक्स्ट्रा लेकर उतारा जाए इनको। वापस आ गए हम लोग, 10 मिनट की राइड थी बट बहुत ही मजा आया, एकदम खतरनाक एक्सपीरियंस था ये। देखिए गिरते गिरते अभी लोग बचे, तृप्ति उतर जाओ। तृप्ति दो शब्द में एक्सपीरियंस बताइए। एकदम रात चेक। दोस्तों ये देखिए क्रूज भी हमारे पीछे से निकल रही है, अभी 7 बजे के आसपास इसका टाइम है, 45 मिनट की इसकी राइड होती है। इसका टिकट है पर पर्सन 300 रुपये, हमारा दो लोगों का मोटर बोट का पड़ा था 300 रुपये बट इसका 300 पर पर्सन है। बट ये देखिए ज़्यादा टाइम तक भी आपको घुमाएगी और यहाँ पर करने के लिए और भी एक्टिविटीज़ हैं। तो भूख लग रही थी दोस्तों तो हम लोग अभी आए कि डीबी मॉल यहाँ का फेमस है, वहाँ कुछ खाने वाने का देखेंगे। तो रास्ते में ऑटो वाले भैया ने बोला कि भैया मैरियट के अंदर से एक रास्ता जाता है, जाने चले जान दो। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो सामने देखिए अभी हम मैरियट की गलियों के अंदर है, बेसिकली मैरियट के गेट से अंदर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ से एक रास्ता बहुत क्लोज जाता है, तो ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ से नज़दीक वी कैन गो टू द मॉल यहीं से। ऑटो वाले भैया का भी फायदा हो गया, उनको 2 किलोमीटर बच गया। तो अभी हम लोग किसी तरह घुसा के मैरियट से अंदर से निकल गए गलियों से और पहुँच चुके हैं डीबी मॉल, बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है, वन ऑफ द फेमस मॉल्स इन भोपाल। और हम लोग को भूख लग रही है, मेन बात तो ये है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, तृप्ति की एक मीटिंग भी है वो भी थोड़ा सा शांति में बैठ के कर पाएगी।
एक जो चीज़ अच्छी लगी अभी तक भोपाल के बारे में वो ये है कि ट्रैफिक यहाँ बहुत कम है कम्पेरेटिवली। हम लोग बैंगलोर और यूपी में भी अगर कंपेयर करें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ के रोड में ट्रैफिक चलता ही रहता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ट्रैफिक की। काफ़ी चौड़ी है और चारों तरफ ग्रीनरी। हाँ, ग्रीनरी यहाँ खतरनाक है भैया, पूरा शहर ग्रीन है। ऐसा कैपिटल सिटी मैंने चंडीगढ़ देखा, चंडीगढ़ भी बहुत ऐसा कुछ इसी तरीके का। हाँ, बट भोपाल भी इस मामले में काफ़ी आगे। फूड कोर्ट में हम लोग एक जगह देख के बैठ गए हैं क्योंकि तृप्ति का एक कॉल है तो उसको अभी ऑफिस करना पड़ रहा है। ये बट कर्मी पूजा है तो पहले तृप्ति की कॉल का इंतज़ार करेंगे, जिसका कॉल ख़त्म हो जाएगा फिर देखेंगे आगे क्या खाना पीना है। हो गई कॉल, वाह, अब कॉल हो चुकी तृप्ति की। अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही यहाँ पे जगह मिली है इंटरेस्टिंग सी, ड्रिंक्स एक्सचेंज नाम है उसका, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट टाइप का लगा सकते हैं ड्रिंक्स और खाने पे, देखते हैं कैसा है। तो हम लोग अभी आ गए ड्रिंक एक्सचेंज में, यहाँ पर आपको ऑर्डर करने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और तृप्ति ऐप यहाँ डाउनलोड कर रही है। दोस्तों हम लोगों ने ऑर्डर किया एक फ्राइज और तृप्ति ने ऑर्डर किया एक सूप, बट एक जो चीज़ है कि प्राइसेज यहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बैंगलोर से भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो सोच रही हूँ अभी सूप पी के बाहर मस्त डोमिनोज है जाके वहाँ पे पिज्ज़ा खा लें। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस के लिए आएँ और हर चीज़ के 3 से 4 गुना प्राइसेस देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि प्राइसेस तो भैया खतरनाक है यहाँ पे। दोस्तों आज लेडीज़ नाइट है तो तृप्ति को 3 शॉट्स फ्री के मिल रहे हैं, तो ये तो पीती नहीं है, थोड़ा बहुत इसने मॉकटेल टाइप का बोला है कि भैया उसमें अल्कोहल ना मिला के और किसी तरह मॉकटेल टाइप का बना दिया जाए। मैं भी फ्री का मजा उठा लूँ। 1 2 3 एक साथ चक 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 चक। तो दोस्तों तृप्ति का इतना पेट नहीं भरा वहाँ महंगी जगह में भी जाके, तो अभी आके अपने डोमिनोज में खा रही है। यहाँ पे से सूप पिया था। हाँ, क्योंकि हम लोग वापस आ चुके हैं अपने डोमिनोज में अपनी औकात पे, तो अभी खाते हैं इसका पेट भर जाएगा। दोस्तों ऑटो कर ली है, नीचे आके खड़ी है, भाग रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि ऑटो मिल पाए। हम लोग ने सुबह 5 बजे उठना है तो वो तो कल ही बताएंगे अगले ब्लॉग में कि क्या होता है, बट अभी के लिए ये ब्लॉग हमारा यहीं तक का था। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होपफुली आपको पसंद आया हो। बाय गाइस।